देखरेख करने वालों का समर्थन कैसे करें? अच्छा देखरेखकर्ता रोगी को प्राथमिकता देकर अपनी जरूरतों को भुला देता है, क्यों? गलत। विमान में दूसरों की मदद करने से पहले स्वयं ऑक्सीजन मास्क पहनने को यूं ही नहीं कहा जाता, अन्यथा आप दूसरों की मदद कर ही नहीं सकते। देखरेखकर्ता के रूप में संतुलित भोजन, व्यायाम, नींद आदि भरपूर मात्रा में लेना जरूरी है। अपना ख्याल रखना स्वार्थ नहीं, समझदारी है। जब आप अपना ख्याल रखते हैं, आपके रोगी को भी फायदा होता है। अपने भावनात्मक और सामाजिक जरूरतों को भी पूरा करें। हम सबका कोई खास व्यक्ति होता है जो हमें भावनात्मक संबल देता है, जिससे बात करके हम निर्णय लेते हैं या बस बोझ हल्का कर लेते हैं। यह व्यक्ति आपका जीवन साथी, माता पिता या मित्र होता है और वह आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर मनोभ्रंश के कारण आपका यह संबल आपसे छिन जाए तो क्या होगा? अपने प्रियजन के साथ अपना रिश्ता बरकरार रखा जा सकता है, पर देखरेख की जिम्मेदारी आपको एकांत में रखती है, इसलिए आपको भावनात्मक संबल देने वाली टीम बना लेनी चाहिए। सामाजिक अलगाव और अकेलापन आपके स्वास्थ्य के लिए उसी तरह बुरा है जैसे धूम्रपान और मोटापा, इसलिए कुछ करना आवश्यक है। मित्रों और परिवार वाली टीम उस विशिष्ट व्यक्ति की जगह नहीं ले सकती, पर आपकी बात सुनकर आपको गले लगाकर निर्णय लेने में मदद करेगी। वह आपको राहत देकर और तनाव घटाकर सकारात्मक बनाएगी। मनोभ्रंश के रोगी की देखभाल कर रहे किसी व्यक्ति को आप जानते हों तो उससे दूर रहने की बात आपके मन में आ सकती है, पर उससे मिलकर आप न केवल उसकी बल्कि मनोभ्रंश से उस रोगी की भी बड़ी मदद करेंगे। आपकी दोस्ती और भावनात्मक समर्थन ताजी हवा की तरह है जो देखरेखकर्ता की तंदुरुस्ती में इजाफा करती है और देखरेख प्रक्रिया को ऊर्जस्वी बनाती है।